तो बाइनोमियल हीप में हम लोग बात करने वाले हैं वेरियस ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे फोकस हम लोग यूनियन पे करने वाले हैं। यूनियन के साथ ही हम लोग बाइनोमियल हीप में जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करें न्यू हीप बनाने के लिए, न्यू बाइनोमियल हीप बनानी है विद अ सिंगल नोड, तो उसके लिए क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हेड में उस वैल्यू को स्टोर कराना है। यानी कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है 5, तो 5 की हमें जब बाइनोमियल हीप नहीं बनानी है, यानी कि हमें सिंगल नोड की हीप बनानी है, तो सिंपली ऑर्डर ऑफ वन टाइम में आप वैल्यू उस नोड को बना सकते हैं। ऑर्डर ऑफ वन टाइम का मतलब है वहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे पेरेंट की वैल्यू नील करनी है, आपको हेड में उसका एड्रेस डालना है, एड्रेस ऑफ 5, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड में लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड में नील डालना है, यहाँ पे सिबलिंग में नील डालना है। तो ये सारी चीजें सिर्फ आपको इनिशियलाइज करनी है, तो आप ऑर्डर ऑफ वन टाइम में इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप बात करते हैं मिनिमम की। तो ये देखिए हमारे पास दो हीप हैं, H1 और H2। तो इसमें हमें मिनिमम फाइंड करना है, तो मिनिमम यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, या फिर यहाँ हो सकती है, तो ये यहीं पे कहीं हो सकती है। तो हमें इस पूरे को ट्रैवर्स करना होगा, हमें यहाँ चेक करना होगा, यहाँ चेक करना होगा, यहाँ चेक करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है मैक्सिमम कितनी होगी, हाइट के जो आपकी उसकी मैक्सिमम हाइट होगी उससे ज़्यादा नहीं होगी, उससे कमी होगी। तो हाइट कितनी होगी, होती है लॉग ऑफ एन। तो अगर हम लोग फाइन मिन की बात करें, मिनिमम वैल्यू को फाइन करने के लिए, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ एन। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं कि ये कैसे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जब हम लोगों ने हीप, बाइनरी हीप और बाइनोमियल हीप के कंपेरिजन को देखा था। तो यहाँ पर हम लोग फोकस करने वाले हैं यूनियन ऑपरेशन पे। यूनियन ऑपरेशन का मतलब है कि हमारे पास दो हीप हैं, H1 और H2। इन दोनों को आप मर्ज करते हैं, यहाँ दोनों से एक हीप बनानी है, तो कैसे बनेगी और उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले तो हमें H1 और H2 को मर्ज करना है, तो हम उसको सिंपली क्या करते हैं, एक नया हीप बनाते हैं H, जिसमें H1 और H2 के सारे एलिमेंट स्टोर करा देते हैं, लेकिन उनको एक स्पेशल क्रम में रखते हैं। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ये B0 है, देखिए ये B0 है, मैंने आपको बताया था कि स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बी ट्री की, बी बाइनोमियल हीप की, कि अगर बी के है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, BK-1 + BK-1, दो BK-1 से मिलके BK बनती है। तो ये B0 है, यानी कि सिंगल नोड के साथ, जीरो हाइट के साथ, ये B1 है और ये आपकी B2 है, तो हाइट 2। सिमिलरली यहाँ पे ये B0 है, ये B1 है और ये B3 है। 3 क्यों, क्योंकि इसकी हाइट 3 है। तो इस तरीके से ये हमारी दो बाइनोमियल हीप हैं। जब इसको मर्ज करेंगे तो B0 को B0 के बगल में लिखेंगे, B1 को B1 के बगल में लिखेंगे, उसके बाद B2 आएगी, उसके बाद B3 आएगी। ऐसा नहीं है कि B3 को पहले लिख दिया या B0 को पहले लिख दिया, और इनको भी सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हम जो छोटी वैल्यू होगी उसको आगे रखेंगे और जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पीछे रखेंगे। तो इसको किस तरीके से आएगा, सबसे पहले ये 3, यहाँ पे 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, ये सिंगल सिंगल B0 हो गई, उसके बाद 4 आएगा, 4 के साथ क्या आएगा, 4 और 5, और उसके बाद यहाँ पे 8, 7 और 9 आएगा। उसके बाद देखिए 6 वाले टर्म आएगा, 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, उसके बाद आपका आएगा 9, ये वाला पूरा ट्री। तो 9 का यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 14, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, इसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका 22। अब देखिए ये आपने ही बना ली H, अब क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पे आपके सेम, इसके पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सेम ऑर्डर की एक से ज़्यादा बाइनोमियल हीप नहीं हो सकते। तो ये दोनों एक ही ऑर्डर की हैं और ये दोनों भी एक ही ऑर्डर की हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखिए, ये दोनों हैं एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, अगर हम चले तो इसको इसके प्रीवियस में इसको एक्स मानेंगे, इसको नेक्स्ट ऑफ एक्स और इसको प्रीवियस एक्स, उस अकॉर्डिंग में चले तो हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब है कि दोनों सेम ऑर्डर की हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी, यानी कि इसमें से जो छोटी होगी वो ऊपर रहेगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो उसका चाइल्ड बन जाएगा। क्यों हम
यहाँ पे 3 को नीचे नहीं ले जाएंगे, 5 को नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मिनिमम हीट की प्रॉपर्टी को फॉलो करवाना है। अगर हम इसको 3 को यहाँ ले जाएंगे तो ये मिनिमम हीट बनेगी ही नहीं, क्योंकि पैरेलल यानी कि 5 3 से बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा। ये आपको न्यू स्टेप में लिखना है, लेकिन मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये हमारी लिंक सीधे यहाँ हो जाएगी। अब जब हमारे पास ये दो कंडीशन थी, दोनों बराबर थे, तो हमने आगे वाले हिस्से को सॉल्व कर दिया और ये 5 और 3 इस तरीके से हो गए। अब यहाँ पे देखिए तीनों सेम ऑर्डर के हैं, यानी कि ये भी B1 है, ये भी B1 है और ये भी B1 है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे केस में जब हमारे पास तीनों सेम की ऑर्डर की आ जाए, तो हमें इन दोनों को सॉल्व, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, ये गलती हो जाएगी आपसे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में गलती यही होने वाली है कि आपको लगेगा कि इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 4 को इसके चाइल्ड बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमारे पास जब 3 आ जाते हैं वैल्यू, तो हम पीछे वाली 2 को करेंगे, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अब देखिए इसमें जो छोटा होगा उसको रहने देंगे और जो बड़ा बड़ी वैल्यू होगी उसको उसका चाइल्ड बना देंगे, तो ये 7 इसका चाइल्ड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अगले स्टेप में बनाना है, मैं इसी में बनाता जा रहा हूँ आपको हर बार। ये ट्री जैसे यहाँ 5 था उसको 5 ही छोड़ना था, नेक्स्ट स्टेप में ये डिजाइन करनी है, उसके अगले स्टेप में आपको पूरी ट्री फिर से बनानी है, ये 7 को यहाँ लाना है, तो 7 यहाँ आ जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ और ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब देखिए ये अभी ये तीनों एक जैसे थे, तो ये दोनों अब तो एक जैसी ये नहीं बची, लेकिन ये दोनों फिर से सेम है। तो फिर से इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ी वैल्यू 6 है, तो 6 इसका चाइल्ड बन जाएगा। तो ये 6 पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ से हटेगा और ये इसका चाइल्ड बन जाएगा यहाँ। तो इसको आप चाहे तो इसी में बना दीजिए या आप अलग से, आपको हर एक स्टेप के लिए अलग अलग बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी में इसको ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 6 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 8, यहाँ पे आपका आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 11 और ये पूरा हिस्सा, ये समझ लीजिए कि ये हिस्सा गायब हो चुका है। तो ये हिस्सा पूरा यहाँ से हट जाएगा, मैं पूरा नहीं इरेज कर रहा हूँ, बस इतने को इरेज कर दे रहा हूँ। और ये अब हमारे हीप में बेसिकली कौन कौन सी बची, बी ये 1 है, ये बी कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 बी 3 है और ये भी बी 3 ही है। तो देखिए फिर से B3 और B3 फिर से सेम हो गई, B3 और B3 फिर से सेम हो गई। अभी क्या था, ये सेम थी, तो इसको हमने इसका चाइल्ड बनाया। अब फाइनली ये इसका चाइल्ड बनेगा, तो ये फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका चाइल्ड बनेगा। अगर ये और बड़ी होती, ये इसके बाद और चाइल्ड होता, तो ये यहीं पे रुक जाता, जिस तरह से इसमें तीनों अलग अलग थी। जब तक ये अलग अलग नहीं होती तब तक हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये और ये दोनों सेम है, इसका भी ऑर्डर वही है, इसका भी ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों फिर से मर्ज होंगी। अगर इसका ऑर्डर ज़्यादा होता, मान लीजिए यहाँ पे एक और नोड होती और फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए एक और नोड होती इस तरीके से, तो ये क्या होता कि ये हमारी B4 हो जाती, तो B4 ही रहने देते और इसको B3 रहने देते, यहीं पे हमारा आंसर ख़त्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू नहीं है, ये दोनों फिर से सेम है, तो इसमें से ये बड़ी है ना वैल्यू, तो ये इसकी फिर से चाइल्ड बन जाएगी, तो पूरी की पूरी ट्री उठ के यहाँ आ जाएगी। तो मैं फाइनल आंसर को इसको इरेज करके फाइनल आंसर को नीचे ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मैं इस ट्री को अब इन दोनों को मर्ज करके मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 और 5 इस तरह से रहेगा, ये आपका हेड रहेगा H, जो कि फाइनल ट्री रहेगी। उसके बाद यहाँ देखिए मैं इसको इतने दूर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये ट्री जब आएगी तो यहाँ तक आ जाएगी। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 आएगा, और बड़ा बना देता हूँ 4, तो 4 को ऐसी चीज बना दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा आपका 5, के बाद यहाँ आएगा आपका 7 और यहाँ आएगा आपका 6 और यहाँ पे आएगा आपका 9, यहाँ पे आएगा आपका 8, यहाँ पे आएगा आपका 10 और 11। उसके बाद इस पूरे को उठा के आपको 9 को इसके चाइल्ड से ऐड कर देना है। तो 9 कहाँ आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 आपका आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा दूर बना दे रहा हूँ मैं इसको, इधर 9,
इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अब नाइन की बाकी ट्री एज इट इज यहाँ पे हो जाएगी। देखिए इसका लेवल का ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें लेवल उसी लेवल में रहें। तो नाइन के यहाँ पे आ जाएगा ट्वेल्व इस टेन के साथ, ट्वेल्व के बाद आएगा यहाँ पे सिक्सटीन, और सिक्सटीन के साथ ही आएगा यहाँ पे फोर्टीन। ये हमारा फोर्टीन आ गया। उसके बाद देखिए सिक्सटीन के साथ यहाँ आएगा एट्टीन, और एट्टीन के बाद यहाँ आएगा फिफ्टीन, फोर्टीन के नीचे फिफ्टीन, फिफ्टीन, और यहाँ पे आएगा आपका ट्वेंटी, ट्वेंटी एंड ट्वेंटी के नीचे आएगा ट्वेंटी टू। तो ये हमारी फाइनली बाइनोमियल हीप कंप्लीट हो गई है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है दोनों हीप को यूनियन करने का। तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये बाइनोमियल हीप, अब यहाँ पे आप चाहें तो बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइट कितनी है, वन टू थ्री फोर, तो फोर हाइट है, तो फोर सी जीरो, फोर सी वन, फोर सी टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर सी जीरो यानी कि एक नोड है, यहाँ पे फोर सी वन यानी कि फोर वैल्यू आनी चाहिए, वन टू थ्री फोर इस लेवल पे फोर है, यहाँ पे फोर सी टू यानी कि सिक्स वैल्यू आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वैल्यू है, यहाँ पे फोर सी थ्री यानी कि फोर वैल्यू आनी चाहिए, तो देखिए वन टू थ्री फोर वैल्यू है, और यहाँ पे फोर सी फोर यानी कि वन वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू वन है। तो इस तरीके से आप बाइनोमियल हीप को देख सकते हैं कि बाइनोमियल हीप किस तरीके से बन रही है, कैसे उसका यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉग एन टाइम क्यों लगेगा, लॉग एन जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है यूनियन में, क्यों लग रहा है, क्योंकि यूनियन हम सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं दोनों एच वन और एच टू को ऐड कर दे रहे हैं, एच इक्वल्स टू एच वन और एच टू को हम ऐड कर दे रहे हैं, तब ये तो कॉन्स्टेंट टाइम में हो जाएगा। उसके बाद हमें जितने ये जो लेंथ है ये पूरी लेंथ, अभी तो ये हमने छोटी कर दी है वैल्यू, लेकिन शुरुआत में इसकी लेंथ तो दोनों की लेंथ ऐड हुई थी एन वन, मान लीजिए इसकी लेंथ एन वन थी और इसकी एन टू थी, तो एन वन प्लस एन टू, अब उसको हमें पूरी एन वन प्लस एन टू को चेक करना पड़ा कि कहाँ सेम ऑर्डर की आपकी बायनोमियल में लीप है, तो उसको मर्ज करना था। तो हमें एक कहाँ तक जाना पड़ेगा, सारी वैल्यू चेक करते हुए यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ जो होती वो कितनी थी, जितना इसका हाइट थी उसी रेंज में थी, यानी कि उससे कम ही होती है, तो इसलिए इसको इन सब चीज़ों को इन कितने टर्म यहाँ पे आएंगे, लॉग एन टर्म, तो मैक्सिमम लॉग एन टर्म रहेंगे, इसलिए इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो यहाँ पे हमें देखिए यूनियन करना कितना आसान है, जबकि अगर हम लोग बाइनोमी बाइनरी हीप की बात करें, सिंपल हीप है होती है जो ये दो हीप हैं, इनको अगर हमें मर्ज कराना है तो हमें इनको हम मर्ज नहीं करा सकते, ऐसे सिंपली इसको मर्ज नहीं करा सकते, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक न्यू हीप बनानी पड़ेगी, उसमें एक एक एलिमेंट को इंसर्ट कराना होगा। तो इसमें जितने एलिमेंट है सबके लिए हमें सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी ऑर्डर ऑफ एन आएगी, और एन की वैल्यू क्या है, एन वन प्लस एन टू, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉग एन, यहाँ पे लॉग एन आ रही है। तो इसलिए ये ज़्यादातर यूज होती है बाइनोमियल हीप बाइनरी हीप की अपेक्षा में, यही इसका रीजन है। तो यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन से हम लोगों ने देखा, इस जनरली इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि आपको दो हीप दी होंगी बाइनोमियल हीप, और आपको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एच वन यूनियन एच टू, तो आपको इस तरीके से परफॉर्म कराना है। तो आप ध्यान रखिए जब आपके पास दो वैल्यू हैं, दो सेम ऑर्डर की बाइनोमियल हीप हैं, तो आपको जो छोटी वाली वैल्यू है उसको रूट में रखना है, बाकी को आपको उसके चाइल्ड बनाना है। लेकिन दो से ज़्यादा वैल्यू है, तीन जैसे सेम ऑर्डर की बाइनोमियल हीप आ जाती है, तो आपको पीछे वाले दो वैल्यू को सॉल्व करना है, आगे वाले आगे दो नहीं करनी है, मान लीजिए बी नॉट है, फिर से बी नॉट है, फिर से बी नॉट है, तो आपको इन दोनों बी नॉट को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बी वन बन जाएगा, इन दोनों से बल्कि क्या बनेगा बी वन, जैसे कि मैंने आपको बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी ही बताई थी कि हर एक बी के बी माइनस के माइनस वन से बनी होती है, दो टाइम्स टू टाइम्स बी माइनस बी के माइनस वन, तो बी नॉट दो बार है तो ये क्या बनाएगी बी वन, बी टू दो बार है तो ये क्या बनाएगी बी थ्री, इस तरीके से बाइनोमियल हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो आई होप आपको बाइनोमियल हीप समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपका अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उसको ज़रूर फिलअप कर दीजिए ताकि मैं आपको अपने गूगल ग्रुप में ऐड कर सकूँ, ताकि आप अपने क्वेश्चन वहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकें और
जो आपको नॉलेज है वहाँ पे आप उसको शेयर भी कर सकें, दूसरों के क्वेश्चन को भी पढ़ सकें और दूसरों के क्वेश्चन के जवाब भी दे सकें, ताकि आपको वहाँ पे आसानी से तरह तरह के क्वेश्चन या तरह तरह के लॉजिक सीखने को मिले। तो आपका अगर आपने अभी तक उस फॉर्म को फिलअप नहीं किया तो उसको फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।